स्ट्रीट बनी है, आपको नहीं ले देते हैं अगर चाहिए तो। ये दे दी आपने। ओके थैंक यू। वेलकम जी। ये ममतू आ चुके हैं। ये ममजा की स्पेशल सौगात, चाइनीज डिश है जी। चाइनीज सही है, अच्छा है। गोल्डन पीक इधर, लेडी फिंगर माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जो वुमेन्स हैं उनके अपने रेस्टोरेंट हैं जो कुकिंग करके देती हैं, तो मैं ये रेस्टोरेंट में आया हूँ। लोकल पड़े वगैरह ये फ्रेम पड़े हुए हैं। वेलकम टू अथावार लेक, द ब्यूटीफुल लेक इन द वर्ल्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त माहौल है और देखिए कश्तियाँ चल रही हैं। पहले यहाँ पे बहुत सिर्फ ये लॉन्चें होती थी तो और बहुत वाइड एरिया, ये झील बहुत आगे तक फैल चुकी है और ये होटल्स हैं। आप यहाँ पे आके आप स्टे भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी खाने पीने की हर चीज़ अवेलेबल है। फास्ट फूड, पिज़्ज़ा पॉइंट, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। व्यू कैप्चर कर रहा था। अरे साकी भाई नीचे केले केले कौन खा रहे बड़े यार, कोई आवाज नहीं थी, बड़ा शोदे हो तुम। ये नजर ही नहीं आया मैं, चल ठीक है। कि पहली दफा आताबाद आया, कैसा लगा आपको? इसे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा पॉइंट है। और अब तो यहाँ पे ये मैं भाई मिले, बहुत अच्छे कमाल की यार, मजा आ गया, जबरदस्त। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। और अभी यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त फूड स्ट्रीट बनी है, आपको नहीं ले देते हैं अगर चाहिए तो। ये दे दी आपने। ओके थैंक यू। वेलकम। और ये बड़ी जबरदस्त फूड स्ट्रीट भी यहाँ पे बन गई है, शॉपिंग के लिए दुकानें भी हैं। आज 4-5 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब बहुत ही जबरदस्त। आप देखें ये कैफेटेरिया है, ये आगे आप देखें जनरल स्टोर टाइप, पिज्जा एवरीथिंग अवेलेबल अताबाद में। यार आओ इंजॉय करो, बहुत जबरदस्त। हाँ पिज्जा हम लाजमी ट्राई करेंगे और हम हमजा से ट्राई करेंगे। ये देखें लोग इंजॉय कर रहे हैं और बहुत से लोग कहते हैं जी हमें मज़ा आया है। ये पूरा कैफेटेरिया बना हुआ है, आप देख सकते हैं जबरदस्त। माउंटेन पिज़्ज़ेरिया जबरदस्त। गुड एक्सपीरियंस कि भाई कैसा मजा आया? बहुत मजा आया, मैंने यार कसम से चस आ गई, चस आ गई, मजा आ गया। पहले बाद में ये नहीं, लेकिन बड़ा मजा आया सच में, बड़ा ही इंटरटेनिंग और एडवेंचर है यार। ये वाली जब भी आओ ये वाली राइड लाजमी लो, खुद हम अताबाद लेक पे आए थे तो अभी बोटिंग की है। बोटिंग के बाद भाई कह रहे हैं कुछ ले लें या कोई पसंद आ जाए तो मैं आपको शॉप दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छी शॉप है, सूट वगैरह कोई भी चीज़ लेनी हो आपने, कैप बहुत सारी चीज़ें, ये देखें लेडीज़ के मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेडीज़ यूज़ करती हैं, कपड़े वगैरह। ये फ्रेम पड़े हुए हैं, ये देखें जी, ये पर्स पड़ा है लेडीज़ का, ये डेकोरेशन पीस जो भी हैं बहुत ही प्यारे खूबसूरत हैं। इस भाई ने लेना है, देखते हैं लेते हैं कि नहीं, आपको हम विज़िट करवाते हैं। शॉप बहुत ही प्यारी शॉप है,
बहुत ही काम की चीज़ें पड़ी हैं यहाँ की सकाफत की। मंजा जो मंजा के लोग जो यूज़ करते हैं ये देखें जी। चलें चलिए जी आगे जाके आपको और विज़िट करवाते हैं अगर कोई अच्छा पॉइंट मिला। फाइनली हाँ जी आई पसंद के नहीं सही है अच्छा है हाँ ओके ले ले भाई से रेट फिक्स कर लें जी। भाई कितने की है भाई साहब कितने की है कितने का भाई साहब 4000 नहीं यार हैंड मेड है 4000 रुपया सर लागी पसंद कोई डिस्काउंट नहीं भाई के लिए ये सर 500 अच्छा चले ठीक हो गया जजाक अल्लाह जी। पहुंच चुके हैं करीमाबाद। ये करीमाबाद का बाज़ार है बहुत ही फेमस बाज़ार है। आपने जब भी आना है हमजा की तरफ आपने ये ज़रूर विज़िट करके जाना है। काफ़ी बड़ा बाज़ार है ये चेक करें बहुत ही अच्छा बाज़ार है। एक ये रोड जाती है ये रोड ऊपर जाती है बल्तित फोर्ट को बहुत ही अच्छा बाज़ार है। जब भी आना है आपने ज़रूर विज़िट करके जाना है काफ़ी बड़ा बाज़ार है ये वाला और बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और दूसरा आपने जब भी आना है बल्तित फोर्ट ये ज़रूर विज़िट करके जाना है अच्छा पॉइंट है। तो यहाँ पे जो वुमेंस हैं उनके अपने रेस्टोरेंट हैं जो कुकिंग करके देती हैं तो मैं ये रेस्टोरेंट में आया हूँ लोकल डिशेस यहाँ पे मौजूद है चाप शरोज यहाँ और मैंने यहाँ पे ममतू देखा अभी तो अभी हम ममतू ट्राई करने लगे हैं देखते हैं कैसा टेस्ट है। बड़ा नाम सुना है कि यहाँ की फेवरेट चीज़ है तो अभी ट्राई करते हैं जी। ये ममतू आ चुके हैं ये ममजा की स्पेशल सौगात चाइनीज़ डिश है जी चाइनीज़ थैंक यू जी। साकिब कैसा टेस्ट लगा मैं तो खा लूँगा भाई आपने कहना अच्छा टेस्ट नहीं है क्यों अच्छा नहीं लगा अच्छा टेस्ट है चाइनीज़ है ना ओके मतलब फीका फीका सा है ये केचप दो पॉइंट बताइएगा सर ये राकापोशी है सामने राकापोशी है इस साथ में देरान पीक है देरान पीक इस साइड में वो गोल्डन पीक है गोल्डन पीक इधर लेडी फिंगर इधर है इस साइड में है सर ठीक हो गया पूरा साफ नजर आएगी आपको ठीक हो गया। आप करीमाबाद आए ना तो यहाँ से आप दिन में भी ये सारी पीक देख सकते हैं यहाँ से। बताने का मकसद आपको ये है अभी तो रात है हम दिखा नहीं सकते बताने का मकसद ये है कि आप जब भी करीमाबाद आओ आपके पांचों पीक्स का नज़ारा ले सकते हैं टॉप पे जाके। थैंक यू सर। ये गंदम का बना है और इसमें क्या है और इसमें मक्खन डालते मक्खन ये यहाँ की स्पेशल सौगात है। एक मैं छुट्टी और कर सर ये शादी ब्याह में और बड़े इस चीजों में बनाते हैं हुंजा में सर। अच्छा क्योंकि जुमा दो छुट्टियाँ तीजी छुट्टी कर लेनी है या मतलब लो जी ममतू खाने के बाद डिनर करने आए हैं करीमाबाद में। मैं स्पेशली दोबारा साकिब को लेके बड़ी मुश्किल से बना के लेके आया कि हमने आज का डिनर करीमाबाद करना है बड़ा ही माशाल्लाह। नहीं यार रुको अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त व्यू नज़र आ रहा है पता नहीं आपको शो हो रहा होगा कि नहीं नीचे सिटी व्यू बहुत ही ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी स्टार्ट करते हैं खाना साकिब भाई टेस्ट करें कैसा है पुलाव इनका ताकि हम बता सके। अच्छा यार आप जब भी करीमाबाद आओ बीफ डाला वो हाँ काबली पुलाव मंगवाया मैंने आपके लिए ये बीफ चेक करो। चलें अभी हम खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद यहाँ से निकलेंगे वापस अपने रूम के लिए।